पढ़े बहुत शांति से सुनना दिव्यांशी, हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। किस टाइप का सब्ट्रैक्शन सर? एलकेजी वाला नहीं, स्कूल वाला पढ़ाता नहीं, स्पेशल टाइप का जिसमें बहुत सारे प्लस रहेंगे बहुत सारे माइनस रहेंगे। कहाँ यूज होगा सर? आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे यूज होगा, हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां यूज होगा, है ना? वहां टीचर ये सब बताता नहीं है, है ना? तो इससे रिगार्डिंग हम लोग कितना क्वेश्चन किए थे सर? इससे यार अब वीडियो ऑन कीजिए, क्या करे अंशिका, खाली ये भी शैतान सिंसियर नहीं गप करते रहते हैं। 309 तक कर लिए थे हम लोग, कहाँ से करेंगे? 310 से करेंगे, 310 से करेंगे, देखो कैसे करना है। तो इसमें बाबू आपको हमने कहाँ तक बता दिया सर? नॉर्मल नंबर का प्लस माइनस बता दिया, फ्रैक्शन वाला बाबू बताते, उसके बाद डेसिमल वाला बताएंगे, फिर आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। यार आप वीडियो ऑन कीजिए बाबू, ठीक? तो देखो कैसे करना, एक अंशिका के पापा से बात करना शैतान। मोबाइल देख रही है सर, अंशिका नहीं कोई और सर। हाँ बाबू सर, भैया पूछ रहे हैं कि नंबर सिस्टम कब स्टार्ट होगा? अभी नहीं स्टार्ट होगा, अभी बहुत दिन है, अभी वैसे अभी क्या अभी क्वेश्चन सही से बनाइए नहीं रही हो नंबर सिस्टम स्टार्ट होने। जैसे मैंने राध्या मोबाइल देख रही है। नो सर, झूठ बोल रहे। अरे बैकग्राउंड में वो लगा के रखी है। ऐसे तन काहे से करते बाबू आ रहे थे, बहुत कूटेंगे बाबू। नो सर, पढ़ाई कीजिए, कैमरा डाउन कीजिए शैतान, मोबाइल टेबल पर रखे, कैमरा डाउन कीजिए पूरा, फिर रखिए आराम से। हाँ -3/2 बाबू, +2/3 बाबू, -4/ बाबू कितना? 6 बाबू, और प्लस बाबू कितना? 6/4 है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सर तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? हम लोग नॉर्मल नंबर वाला कर लिए बाबू, बहुत सारे प्लस माइनस वाला कर लिए, आप फ्रैक्शन वाला करेंगे आफ्टर देन बाबू ये डेसिमल वाला करेंगे, फिर मिक्स फ्रैक्शन का करेंगे। देखो कैसे करोगे दिव्यांशी, अमन से पढ़े सलोनी। आपको हमने बोला था, क्या बोला था बाबू, कि प्लस वाले को एक जगह लिख लो, माइनस वाले को एक जगह लिख लो, या डायरेक्ट इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। देखो प्लस वाले को एक जगह पहले लिखो, -3/2, -4/6, +2/3, और +6/4। प्लस वाले को एक जगह, माइनस वाले को एक जगह, उसके बाद क्या करना बाबू, क्या करना? कुछ नहीं करना मेरे लाल, सारे का एलसीएम ले लो, जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लेंगे किसका सर? एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर क्या क्या सर? एलसीएम क्या है? 2 है सर, 3 है बाबू, 4 है बाबू, 6 है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, डिनोमिनेटर में कौन है सर? 2 है सर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, 2 के बाद 3 है सर, 4 है सर, 6। इसका एलसीएम निकालने के लिए बताया था दिव्यांश, कैसे बताया था? वो सबसे बड़ा नंबर लेना है, आ देखेंगे 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ सर, 3 के टेबल में 2 जा, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 4 के तो अगला टेबल पढ़ेंगे, 4 2 जा कितना होगा? 12 होगा, 4 2 जा 6 2 जा कितना होगा? 12 होगा, 6 2 जा 12 होगा। अब फिर से टेबल देखना, 2 के टेबल में 12, यस सर, 3 के टेबल में यस सर, 4 के टेबल में यस सर, है ना? तो यही आपका एलसीएम, ये सारे के टेबल में आ गया तो एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया, यही आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे सर? एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक? अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 12 कितने टाइम में सर? 6 टाइम में, 2 6 या 12, तो 6 लिखेंगे, न्यूमरेटर में क्या 3 है, तो 3। अंशिका शांति से पढ़े बाबू, होमवर्क बना ले देते हैं तो बाबू गलती कर देते हैं जी, आज आपके पापा से बतियाते हैं ना शैतान, कुटवाते हैं आपको। एक को आज तक होमवर्क सही बनाई हो, कहाँ दिमाग रहता है, एक चीज को चार बार बता रहे हैं। यहाँ 6 है बाबू, यहाँ 12 है, 6 का टेबल पढ़िए, 12 कितने टाइम में? 2 टाइम में, न्यूमरेटर में 4 है तो 4 हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़ो, 4 और 12 कितने टाइम में? 3 4 या 12 होता है, यहाँ यहाँ वाला जो रहेगा यहाँ क्या है सर? 12, तो 3 का टेबल पढ़ना है, 12 कितने टाइम में? 4 टाइम में, न्यूमरेटर में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 का टेबल पढ़ो, 12 4 3 जा कितना? 4 3 जा तो 3 हो गया, और न्यूमरेटर में 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, 6 3 जा कितना मम्मी पढ़ाइए? 18 पढ़ाइए, माइनस आके माइनस लिख देना, 2 4 जा कितना पढ़ाइए? 8 पढ़ाइए, 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है, और 3 6 जा कितना होता है? 18 होता है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 12 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक? नेक्स्ट बाबू, अब देखिए बाबू, आपको बताया था बाबू कि अगर सिमिलर नंबर बाबू प्लस में सिमिलर नंबर रहा है, एक प्लस एक माइनस रहे, तो उसका हम लोग क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं, ये देखो प्लस 18, यहाँ ये माइनस 18, ये प्लस 18 मर जाएगा,
ये माइनस एट, ये प्लस एट, ये भी मर जाएगा तो ऊपर क्या बचा, जीरो बचा। तो जीरो बटा ट्वेल्व कितना होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। राइट डाउन करो, अभी समझ में कम आया दिव्यांश, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वो आ जाएगा समझ में। अश्वेता जब समझाते तो लिखते काहे रहती हो जी, ये सब शैतान आदत से लाचार है, जब समझा रहे तो सुनती काहे नहीं, तब ना होमवर्क गलत हो जाता है बाबू। सो के उठ गया बाबू, अरब तबीयत ठीक नहीं है जी? क्या सर तबीयत ठीक नहीं बाबू? नहीं सर। क्या हो गया आपको जी? सर खांसी बुखार। अच्छा खांसी बुखार हो गया, चलो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो, पीछे क्या देख रहे हो राध्या, कुटाई खोजते बाबू भरपेट। डन सर। वेरी गुड बाबू, लिख ली इसका? यस सर, मैंने लिख लिया। वेरी गुड, नैतिक तेज हो जाओगे ना बाबू नैतिक? यस सर हो जाऊंगा। हाँ बाबू, एक साल में बाबू बदन सबसे तेज हो जाना। चलिए हम लोग आगे करते हैं। डांसर इस टाइप के बाबू, जब तक आप लोग जीवित रहिएगा इस टाइप के प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़े भी हो जाओगे बाबू तो चाचा की बेटी को, चाची की बेटी को पढ़ाना है ना, मौसी की बेटी को, मौसा की बेटी को पढ़ाना है, ऐसी करके एकदम बढ़िया से नोट्स बना के रखेगा, तब ना बाबू आप बड़े हो जाओगे तो किसी को पढ़ाने का काम आएगा, आपको बना बनाए नोट्स मिलेगा। नेक्स्ट और 310 नंबर। हाँ 311 नंबर, वेरी गुड। तो जब भी फ्रैक्शन वाला रहेगा तो इसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे 10 बाई बाबू कितना, माइनस 10 बटा बाबू 3, प्लस 3 बटा कितना 10, माइनस 5 बटा कितना बाबू 6, प्लस बाबू 6 बटा कितना बाबू 5, ऐसे ऐसा। तो हमको डर लग रहा, डरना नहीं है मेरे लाल, पहले माइनस वाले को एक जगह कलेक्ट करो, माइनस 10 बाई 3 माइनस 5 बाई 6, प्लस वाले को एक जगह 3 बाई 10 प्लस 6 बाई 5। अब एलसीएम ले लेंगे, 3, 6, 5, 10 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर में जो भी उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ बाबू। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 6 के बाद 10 आता है। एलसीएम कैसे निकालेंगे दिव्यांशी, तो देखिए कैसे निकालेंगे दिव्यांशी बाबू, कहाँ गई शैतान दिव्यांशी, यहाँ गई, कहाँ गई बाबू? चलो दिव्यांशी, हाँ सबसे बड़ा नंबर पकड़ना बाबू, 10 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब आपको देखना 3 के टेबल में 10 आता है बाबू, आता है दिव्यांश से? नहीं आता, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देना उसका सोचना ही नहीं है। 10 का अगला टेबल क्या होगा, 10 का अगला टेबल 20, फिर देखना 3 के टेबल में 20 आता है दिव्यांश से? नो सर। नो, तो फिर अगला टेबल पढ़ना, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 30 फिर देखना 3 के टेबल में 10 आता है, हाँ सर। 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 30 आता है, हाँ सर। 6 के टेबल में 30 आता है, हाँ सर। तो यही एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम यही हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, आप लोग का एक मम्मी वाला मेथड बताए होंगे बाबू, ऐसे लाइन खींच खींच के, तो उसको मम्मी मेथड कहते हैं स्कूल में सर। एक मल्टीप्लाई करने के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट 30 हो गया आपका एलसीएम, ठीक 30 हो गया एलसीएम, अच्छी बात है। दीपांशु नहीं आया शैतान, उसका भी एग्जाम है बाबू सबका। 3 का टेबल पढ़ेंगे 30, कितने टाइम में 3 का टेबल पढ़ो 30, कितने टाइम में बाबू दिव्यांश से? 3 10 जा 30 10 होगा, न्यूमरेटर में रहेगा उसको लिख देना। 6 का टेबल पढ़ेंगे 30, कितने बार में 6 5 जा, न्यूमरेटर में 5 है, 5 है तो 5 लिख देना। 10 का टेबल पढ़ेंगे 30,
न्यूमरेटर में थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करना, फाइव कटल पढ़ेंगे थर्टी कितने बार में, सिक्स बार में, सिक्स इंटू सिक्स। नेक्स्ट हो टेन टेन जब मम्मी कितना पढ़ाई है, हंड्रेड हंड्रेड, फाइव फाइव जा कितना ट्वेंटी फाइव पढ़ाई है, थ्री थ्री जा नाइन पढ़ाई है, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स सिक्स पढ़ाई थर्टी सिक्स। अब माइनस वाले को माइनस के साथ ऐड कर दो, प्लस के साथ ऐड कर दो, ये तो ऐड करना बताएं, माइनस हंड्रेड माइनस वन ट्वेंटी फाइव, माइनस वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, थर्टी सिक्स प्लस नाइन मम्मी कितना पढ़ाई है, फोर्टी फाइव पढ़ाई है, थर्टी सिक्स को नाइन से ऐड करो। अब बाबू आपका क्या हो गया, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, तो ऑलवेज हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, जब भी एक प्लस माइनस रहे सबट्रैक्ट करेंगे, 125 में 45 क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, ये जीरो हो गया, आठ में बारह में से चार गया आठ हो गया, और जीरो हो गया, एट्टी आ गया, एट्टी बटा थर्टी, साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा सर, तो बड़ा वाला नंबर देखेंगे, बड़े वाले नंबर के जो साइन माइनस, बड़ा वाला नंबर 120 क्या गया माइनस है, तो रिजल्ट क्या होगा माइनस हो जाएगा। लिखिए बाबू, समझी दिव्यांशी, श्वेता समझी, तो ये सब आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा बाबू, छोटा छोटा बताया जाएगा, ये सब आपको किसी भी स्कूल में नहीं बताया जाता बाबू। वेरी गुड बाबू, सर कल मेरा साइंस एग्जाम, साढ़े सात बजे हम लोग साइंस शुरू करेंगे, अभी इस बैच में साइंस नहीं शुरू करेंगे, इसमें बाबू अभी बच्चा सब है, उसको साइंस समझ ही में नहीं आएगा। सर कल मेरा साइंस एग्जाम शुरू होगा, साइंस हम लोग साढ़े सात में शुरू करेंगे, साढ़े सात से साढ़े आठ में, 7:30 to 8:30 वाला में शुरू करेंगे, इसमें अभी आप लोग बाबू ये सब बेसिक खत्म कीजिए, आप लोग थोड़ा दिन हो जाएगा दो तीन महीना, तो हम लोग फिर इसमें भी साइंस शुरू करेंगे, पहले मैथ एक दो चैप्टर खत्म होने दीजिए, बेसिक और नंबर सिस्टम तक। सर साइंस में भी तो नंबर देंगे, हाँ मेरे लाल साइंस, समझी श्वेता सर, हाँ बाबू कम से कम तीन चैप्टर्स उसमें रहेंगे। अच्छा बाबू, जितना आता लिखिए बाबू, क्या करोगी बाबू, फिर धीरे धीरे जैसे तेज होगी वैसे वैसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक, एक बड़ा क्वेश्चन देते हैं, हमको डर लगेगा, डरना नहीं है मेरे लाल, कितना हो बड़ा क्वेश्चन आ जाए सर तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, थ्री हंड्रेड ट्वेल्व नंबर, हम लोग धीरे धीरे स्लो स्टडी बिन द रेस, स्लोली स्लोली पढ़ना, कोई बाबू नहीं है जल्दी जल्दी, 312 नंबर बाबू, दिव्यांशी बाबू थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू, यस सर, इसमें तो फ्रैक्शन वाला करवा रखा मेरी मैम ने, अच्छा फ्रैक्शन वाला स्कूल में पढ़ी थी, यस सर, चलो अच्छी बात है बाबू, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, इतना अगर समझ गए बाबू तो आगे रास्ता आसान है। इतना बड़ा रहेगा सर हमको डर लगेगा, नहीं डरना नहीं है मेरे पास, डरना नहीं है, माइनस वाले को एक जगह लिखना है, प्लस वाले को एक जगह लिखना, जो शुरू से करते करते हम लोग 312 क्वेश्चन तक पहुंच गए, है ना, माइनस वन बाई टू बाबू, माइनस एक यहाँ चलता, माइनस लिखना,
माइनस एट हो गया। प्लस वाले को एक साथ से लिखो बाबू, प्लस थ्री प्लस फाइव बाई सिक्स और प्लस सेवन बाई थ्री। ठीक ठीक सर। अब जिसका जिसका डिनोमिनेटर नहीं है बाबू, इसको तो ऐसे ऐड कर सकते हैं बाबू, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे यहीं पे। नहीं तो माइनस एट माइनस सिक्स तो बताइए किए बाबू, माइनस एट माइनस सिक्स बताएं, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं बाबू। माइनस वन बटा टू, माइनस एट माइनस सिक्स कितना होगा दिव्यांशी बताए तो बाबू, माइनस एट माइनस सिक्स दिव्यांशी व्हाट से, माइनस एट माइनस सिक्स व्हाट वी गेट बाबू, टू। माइनस सिक्स माइनस एट टू होता है बाबू, कितना होगा श्वेता फिर मैं बताऊं? आप तो बताइए दो गणित, ठीक हो तो हमको पता है इतना क्वेश्चन करवाए, बताइए श्वेता माइनस सिक्स माइनस एट कितना होगा वो? माइनस सिक्स के नीचे वन डालेंगे। अरे मेरे लाल डालेगा तो ठीक है। हाँ बोलिए सर, माइनस फोर्टीन सर, माइनस फोर्टीन। हाँ बाबू सर माइनस फोर्टीन। हाँ नहीं तो एक सुन लिए मेरे लाल, सुन लिए ठीक है बाबू। अरे इसको डायरेक्ट ऐड कर दो बाबू, नहीं तो बाबू क्या करो, यहाँ पे वन डालो, वैसे रटो जैसे रटवाए उसी तरह बनाओ, यहाँ वन डालेंगे, जहाँ डिनोमिनेटर नहीं कुछ है तो वहां क्या लिखना, वन लिखना है ना। ठीक बाबू, आप वन लिख कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो ना बाबू। बी टेक द एलसीएम बाबू, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर उसका एलसीएम लेंगे। क्या सर वन है तो एक नंबर को एक बार लिखना, वन थ्री टाइम्स है बाबू लेकिन एक ही बार लिखना। टू है असेंडिंग ऑन, थ्री है, सिक्स है, वन टू थ्री सिक्स का एलसीएम कितना होगा सर, सिक्स से हो जाएगा। वन के टेबल में भी सिक्स आता है, टू के टेबल में आता है, थ्री के टेबल, तीनों के टेबल में आ गया, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, यही हो गया एलसीएम, कितना हो गया यही हो गया एलसीएम, कितना हो गया सिक्स हो गया। एक एलसीएम सिक्स ड्रा करेंगे, ठीक बाबू। टू से सिक्स का टेबल पढ़ेंगे, टू थ्री जा कितना होता है, सिक्स होता है, टू का टेबल पढ़ो सिक्स कितने टाइम में, थ्री टाइम में, थ्री टाइम में, थ्री हो गया न्यूमरेटर में वन है तो वन से मल्टीप्लाई करो। वन का टेबल पढ़ो सिक्स कितने टाइम में, वन सिक्स जा सिक्स टाइम में, न्यूमरेटर में सिक्स है सिक्स लिखो। वन का टेबल पढ़ो सिक्स कितने टाइम में, सिक्स टाइम्स में, तो कितना हो गया सिक्स हो गया। न्यूमरेटर में एट है सर तो एट से मल्टीप्लाई करेंगे। वन का टेबल पढ़ेंगे सिक्स कितने टाइम में सर, सिक्स टाइम में। न्यूमरेटर में थ्री है तो थ्री से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना। सिक्स का टेबल पढ़ेंगे माइनस फिफ्टी बाय थर्टी सिक्स, सिक्स का सिक्स पढ़ेंगे टेबल कितने टाइम में सर, वन टाइम में। न्यूमरेटर का कितना फाइव है, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री का टेबल पढ़ेंगे सिक्स कितने टाइम में, टू टाइम में, टू इंटू सेवन। अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन, माइनस थ्री माइनस सिक्स जा कितना, माइनस थर्टी सिक्स, सिक्स फोर जा सिक्स एट जा कितना, फोर्टी एट, सिक्स प्लस सिक्स थ्री जा एटीन, अब प्लस वन फाइव जा फाइव हो गया, और टू थ्री फोर सेवन जा कितना हो जाएगा, फोर्टीन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सिक्स हो जाएगा। ठीक, अभी ये बाबू इसमें क्या करना, वो माइनस वाले को एक जगह ऐड करो, प्लस वाले को एक जगह ऐड करो, तो माइनस फोर्टी एट है, कहानी समझ में आता है श्वेता, माइनस फोर्टी एट है बाबू, माइनस फोर्टी एट है, कितना माइनस फोर्टी एट है। ठीक, शैतानी इनके खराब हो गया क्या, माइनस फोर्टी एट है कितना बाबू, माइनस फोर्टी एट है, माइनस थर्टी सिक्स है, माइनस थ्री ऐड करो बाबू तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो बाबू, साइड में ऐड कीजिएगा, माइनस फोर्टी एट हुआ बाबू, माइनस थर्टी सिक्स हो गया, माइनस थ्री हो गया, आठ सौ चौदह तीन सत्रह हो गया, चार सात एक आठ हो गया, एट्टी सेवन, इसको ऐड करो बाबू तो कितना आ जाएगा, एट्टी सेवन आ जाएगा सर, माइनस एट्टी सेवन आ गया, इसको ऐड कीजिए बाबू, चौदह अठारह बत्तीस है बाबू, पाँच थर्टी सेवन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सिक्स ठीक। नेक्स्ट हो, एगो प्लस एगो माइनस नंबर है वो तो आपको सूर्य से बताया, जब भी एक प्लस एक माइनस सब ट्राइड कर देंगे तो 87 में 37 सब ट्राइड करोगे तो 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 40 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 87 में 37 सब ट्राइड कर तो 50 आ जाएगा, 50 बाई 6 हो जाएगा, साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, बड़ का नंबर 87 माइनस हो जाएगा। लिखे बाबू समझी थोड़ा सा, जल्दी लिखे बाबू,
9, 2, 10, 6, 8, 1, plus 3, 1, 5, 6. समझ में आ गया इसका? यस सर आ गया समझ में। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में फिर एंट्री करेंगे। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद डिवीजन। इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बाबू तो आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बना सकती हो। अभिषेक सो गया जी? ये अभिषेक हाँ मेरे लाल, सोए जा सोए जा, उठाई खोज रहा है बस। नहीं एक का क्वेश्चन मिस 312 तक नहीं लिखा रहा ना, एक का वो क्वेश्चन तक फूटेंगे भर पेट पीटेंगे। सो लीजिए, कैसे बाबू? अंशिका होमवर्क कैसे गलती कर देती बाबू? आपके पापा क्या बोलना पड़ेगा, बहुत दिन से गलत बना रही है। सर एग्जाम चल रहा है। एग्जाम चल रहा है, कब तक है? सर कम से कम 10 घंटे। कम से कम क्या होता है, एग्जाम का डेट होता है? सर नहीं पता वो। आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता नहीं कि कब तक एग्जाम है जी? नो सर, मुझे किसी चीज का पता नहीं है। सर हाँ बाबू। सर ये सुबह लेट से उठती है। अरे शैतानी एग्जाम दे रही बाबू, तो एग्जाम का डेट पता होना चाहिए ना जी, इसको कब फिनिश होगा? सर इसका एग्जाम 26 को खत्म होगा सर, लेकिन सर मम्मी से बात करूं सर? नहीं बाबू अभी पढ़ाई पढ़ने दीजिए इसको, मम्मी से बात हो तो अभी पढ़ने दीजिए, क्लास करने दीजिए, मम्मी पापा से बात बाद में। ओके सर। बाबू देखिए श्वेता सर। हाँ लिख ली? यस सर। चलो अच्छी बात है, लिख ली दिव्यांशी? यस सर। हाँ बाबू सारे खुद रात को गेम खेलता ठीक है बाबू। कौन कौन सही बना के दिखाता है वो क्वेश्चन? सारा बच्चा बना के सही दिखा दिया मतलब बाबू हम लोग आगे बढ़े, नहीं बना के दिखाओगे तो दिक्कत होगी। 313 नंबर।14 by 14 by 8 by 4 - 6 by 8 -9/12 + 13/24 + 5 है। बना तो जल्दी से, कौन बनाता बाबू?
बन गया सारा बच्चा से तो हम लोग आगे मूव करेंगे, बी मूव फॉरवर्ड वर्ड बना तो पिटा है, बना दीजिए दिव्यांग से कैडबरी टॉफी। वीडियो ब्लर आ रहा है, वीडियो ब्लर आ रहा है। यस सर। चलो ठीक हो गया ना। बनाया दिव्यांग से? नहीं सर बना रहे। श्वेता बनाइए, सलोनी बाबू बनाइए जल्दी से। आ गए -14 है बाबू। हाँ बाबू। भैया खुद रात को गेम खेलते हैं। अच्छा उसको कूटेंगे, भर पेट कूटेंगे। और जब मम्मी मार्केट जाती है तो तभी खेलते हैं। सही सही बनाना है बाबू, श्वेता दिव्यांग से। अभिषेक वीडियो कहाँ बंद कर दिखाओ वाला कहाँ हो गया, दिखाइए प्रधान 83 प्रधान। सही से करो बाबू, गिरी आएगा बाबू, सही से कीजिए, गलत है बाबू। सर कंप्लीट है। सर आई हैव डन, वेरी गुड बाबू, दिखाए बाबू। सर सर +75/24 सर मैं दिखा रहा हूँ। हाँ बाबू एक मिनट आ जा बाबू, नहीं थी सर +75 आएगा बाबू। तो सही है 73 आएगा बाबू, देखिए ना सर मेरा हो गया, देखिए तो सही से 73 आएगा बाबू। सर मेरा 73/24 है, दिखाए दिखाए बाबू। +48/151 हाँ बाबू, चलो इस अच्छी बात है, जल्दी दिखा सर बेचारा के, मेरा सही है ना? हाँ बाबू सही करो, नहीं थे आगे जल्दी दिखाए आराध्या, दिखाए बाबू
दिव्यांशी सोमी और हम बाबू क्लास वर्क सलोनी श्वेता जल्दी बाबू हरी आप मेरे बैच में बाबू सारे बच्चे तेज होना चाहिए एक दो सर मैंने कर लिया कितना है बाबू दिव्यांशी सर 73/24 अपने मन से किए बाबू सर सच में अच्छी बात है वेरी गुड बहुत देखिए सर मेरे में से देख कर लिखती है अच्छा पीटेंगे उसको सर वैसा आ गया हाँ देखो माइनस वाले को एक जगह लिखो माइनस 14/8 माइनस 6/8 माइनस 9/12 माइनस वाला लिख लिया सर प्लस वाले को एक जगह लिखो ऐसे क्या हुआ सर कंफ्यूजन काम रहता है सर प्लस माइनस ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाए तो माइनस वाले को एक साथ देखते ना स्कूल जाते ना तो लड़की को एक जगह बैठा गर्ल्स को एक जगह बैठा जाता बॉयज को एक जगह ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे ना बाबू नहीं तो आजकल वो बहुत सारे गर्ल्स भी बाबू लड़ा थी लड़का जैसा दिखता बाल छोटा छोटा रख लेगा पते नहीं चलेगा इसीलिए गर्ल्स गर्ल्स साइड में बॉयज बॉयज साइड में है ना तो माइनस वाले को एक जगह और प्लस वाले को एक जगह 3/4 और प्लस माइनस गर्ल है या फिर बॉय हाँ बाबू नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे लाल अब इसमें क्या करना बाबू यहाँ पे 5 है तो 5 के नीचे क्या लिख देना 1 लिख देना एलसीएम लेंगे एलसीएम लेंगे एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में जो भी उसका एलसीएम लेंगे एलसीएम बाबू हम लोग एलसीएम लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ताकि हमको आसान हो 1 लिखना 1 के बाद कौन सा नंबर 8 है तो 2 बार रहेगा तो एक ही बार लिखना 1 के बाद 4 है बाबू 1 के बाद क्या 4 है 4 है 4 के बाद 8 है 8 के बाद 12 है 12 के बाद 24 है अब बड़ा नंबर को इसमें पकड़ना है व्हिच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर 24 इज द ग्रेटेस्ट नंबर सर अब आपको चेक करना 1 के टेबल में 24 आता है तो 1 बाबू सारे के टेबल में है जितने भी नंबर है सारे के टेबल में आएगा तो 1 के बारे में सोचना ही नहीं रहता 4 के टेबल में 24 4 6 जाता है 8 के टेबल में 24 8 3 जाता है 12 के टेबल में 24 12 2 जाता है तो यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा सर आपकी आवाज बहुत धीरे-धीरे आ रही है धीरे धीरे जा रही है yes, sir. अच्छा अच्छी ठीक है बाबू yes, sir, अब आ रही है हाँ बाबू 1 4 8 12 24 का एलसीएम कितना होगा 24 हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे वो एक लाइन ड्रा करेंगे ये 24 हो गया ठीक सर अब बाबू यहाँ माइनस है माइनस 8 का टेबल पढ़ो 24 कितने टाइम है 8 का 8 3 जा 3 हो गया न्यूमरेटर में 14 है तो 14 हो जाएगा 8 का टेबल पढ़ेंगे 12 कितने टाइम है 3 टाइम में न्यूमरेटर में 6 है 6 से मल्टीप्लाई करना 12 का टेबल पढ़ेंगे 24 कितने टाइम है 2 टाइम में 9 है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना 4 का टेबल पढ़ेंगे 24 कितने 6 टाइम है न्यूमरेटर में 3 है 3 से मल्टीप्लाई करना 24 का टेबल पढ़ेंगे 24 कितने टाइम है 1 टाइम है 24 का टेबल 24 टाइम 1 टाइम है 1 टाइम है 1 टाइम है 1 टाइम तो 1 हो गया बाबू न्यूमरेटर में 13 है 13 से मल्टीप्लाई करो 1 का टेबल पढ़ो 24 कितने टाइम है 1 टाइम है 1 टाइम 1 का टेबल पढ़ेंगे 24 24 टाइम में होगा कितना होगा 24 टाइम में न्यूमरेटर में 5 है 5 से मल्टीप्लाई करो ठीक नेक्स्ट बाबू 3 14 जा 14 3 जा या 3 14 जा 14 3 जा मम्मी कितना पढ़ाई है 42 पढ़ाई है 3 6 जा कितना पढ़ाती है 8 2 9 जा 18 6 3 जा 18 1 13 जा 1 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करो 13 और 24 5 जा नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई कर लेना 24 5 जा नहीं आता तो मल्टीप्लाई करना 120 होता हाँ बाबू सर आपने जो 5/1 किया उसको 1/5 नहीं कर सकते नहीं शैतान 1/5 नहीं कर सकते हैं अभी आपको इसी में दिक्कत हो रहा है बाबू अभी आपके मम्मी से बात करते हैं शैतान इसको एडिशन सबट्रैक्शन में भी दिक्कत हो रहा है कैसे आगे बढ़ेगे बाबू स्कूल नहीं ना जी स्कूल में क्या होता है आपको समझ में आए नहीं आए बच्चे को छोड़ दिया जाता अपना टीचर सिलेबस पढ़ाता है इसलिए स्कूल का बच्चा देखते बाबू 10-50 गो रहेगा तो 5 स्टूडेंट पढ़ने वाला रहता बाकी सब कमजोर रहता ठीक माइनस वाले को हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए बताओ ये भी माइनस ये तीनों को क्या करो एक साथ क्या कर लो ऐड कर लो
तो ये बाबू कितना हो जाएगा 70 बाबू, ये 60 रहा, ये 18 कितना 78 हो जाएगा। प्लस वाले को ऐड कर लेंगे, तो प्लस वाले को ऐड करो बाबू तो कितना होगा, ये 31 हो जाएगा। 51 डिवाइडेड बाय 24। एक बोले थे एक जब भी प्लस एक माइनस नंबर रहे तो उसको हमेशा हम लोग सब ट्राइड करते हैं, तो 151 में 78 सब ट्राइड करो कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, बड़ा वाला नंबर, बड़ा नंबर 151 का आएगा साइन प्लस, तो रिजल्ट कितना होगा प्लस। लिखिए बाबू सर, इसमें बस थोड़ा सा ही नई चीज है, बाकी तो आपने पहले करा सारा करवा दिया बाबू, फिर भी बच्चा समझे तब ना बाबू। सर हाँ सर, मैं फिर से सही करके मैं माइनस लगा दी थी। अच्छी बात है, चलो गया कौन कौन बाबू, एक गया मेरा, अभिषेक गया, आयुष गया, दो बच्चा गया, सबको अटेंडेंस मार्किंग करेंगे। चलिए अच्छी बात है बाबू। दिव्यांशी आर यू गेटिंग बाबू, समझ में आ रहा है बाबू? दिव्यांशी भोली अनम्यूट कीजिएगा तो ना साउंड आएगा बाबू, अनम्यूट करके वो साउंड थोड़ी आता है। यस सर। हाँ बाबू तेज हो जाना दिव्यांशी, सिस्टर से ज्यादा तेज होना बाबू, आपको अपने सिस्टर, हाँ दो साल में तेज हो जाए, अभी फिफ्थ में हो दिव्यांशी की फोर्थ में बाबू? फिफ्थ में हो। हाँ आपको तो दो साल और पहले मेरे पास आना चाहिए था बाबू, तभी तेज बोल रहे थे। ठीक है बाबू, चलो लिखे इसको, अब कुछ बना के दे देते हैं, बना के लाइएगा। कल हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बाबू, मिक्स फ्रैक्शन वाला पढ़ेंगे, कल मिक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद बाबू हम लोग पढ़ेंगे ये डेसिमल वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक आपका सबट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इसमें नहीं ना करा, प्लस माइनस वाला बहुत सारे वाला नहीं ना करवाए लगता है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन का करवाए, पूरे प्लस रहेगा तब, पूरे माइनस रहेगा तब, प्लस माइनस मिक्स रहेगा तब नहीं करवाया। बोलिए 314 नंबर यहां से करके लाना, डी आई बाई ए बाबू 16/3 बाबू प्लस 15 बाई कितना बाबू 4 बाबू माइनस बाबू 14 बाई बाबू 3 प्लस 13 बाई 4 माइनस 9 बाई 3 315 नंबर। एक दो तीन दिन में इसको हम फिनिश कर देंगे, इतना सफिशियंट क्वेश्चन है बाबू, इतना आप लिख ले सबट्रैक्शन एडिशन में सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं बाबू और टाइम भी ज्यादा नहीं वेस्ट करना, हम लोग को सिलेबस भी हमको पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं कि 6 महीने खाली सबट्रैक्शन पढ़ाते रह गए। अश्वेता सही से बनाए बाबू, सलोनी काहे नहीं सही से बना पाते, सलोनी कहाँ बीमारी रह गया बाबू, सलोनी सर कहाँ बीमारी बच गया बाबू जो नहीं बन पा रहा सही से? सर मैं सही से बनाते बट पता नहीं कैसे गलत हो जाता है। आप तो सही से बनाते बाबू, आपको पता थोड़ी चलेगा शैतान।
ज्यादा नहीं, आप लोग का एग्जाम भी बाबू ज्यादा नहीं देते हैं क्वेश्चन सर ज्यादा है सर। हाँ बाबू जो ना एक पतला पेजा ना तो वो जो पेजा स्मूथ होता है ना तो अच्छे से दिखा जाते हैं फट जाता है स्मूथ पेज घड़ा के लिए कौन से अरे ऐसे ही फट जाता है बहुत बोल बोल बात करता है नैतिक नैतिक शैतान सकल से सब खाली मासूम है और उसको नहीं पढ़ाते हो दिव्यांशी पीछे जो छोटा वाला बाबू किस क्लास में बाबू एमजी सर किस क्लास में बाबू पीछे वाला बच्ची वो बाबू है किस क्लास में है वो तो यूकेजी में तो यूकेजी तो इसको पढ़ाइए उसको आप तैयार कीजिए उसको इसके मम्मी पढ़ा देती है जितना उसको उतना आता ही है जैसे स्कूल में कराते उसको नहीं तो आप उसको ज्यादा पढ़ाइएगा तो ना ज्यादा सीखेगी बाबू अब आइए से उसको पढ़ाइए अब फाइव में जाते जाते टेन तक का सिलेबस कवर चलिए लिखे लिखे दिव्यांशी लिखे बाबू जल्दी से ठीक है इसका बाबू जाइए बाबू इरिटेट हो रही बाबू जाइए जाइए इसका जाइए नैतिक बाबू कोई दिक्कत की बात नहीं है आराध्या कहानी पढ़ती हो आराध्या बाय बाय बाबू जाइए जाइए बाबू जाइए आप लोग को खाना भी खाना गुड नाइट बाबू बाय सर बाय 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 सर गुड नाइट सर गुड नाइट बाबू बाय सर बाय 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 करे में तो महारत हासिल है सुलेने से तो खाली क्वेश्चन नहीं बना के लाती है कहाँ दिक्कत है श्वेता कहानी बना के लाती बना के लाती गलती कैसे लाती है बाबू इतना सारा क्वेश्चन 400 क्वेश्चन है बाबू इतना सारा करवाने के बावजूद भी बाबू बाय सर ठीक है बाय बाय बाबू क्या हुआ हर्षिता कहा मुंह लटकाए बाबू हर्षिता पूछना है कौची पूछना है बोले 24 घंटा ऑनलाइन रहती कहा पूछना है बोले बोले 31 नंबर